क्या कुछ कहना चाहेंगे अभिषेक कि आज इस एक और पहल एक और ऑफिस जुड़ गया है, कैसा रहा एक्सपीरियंस, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक को, और मेरा नाम सोनाली है, मैं अभिषेक के साथ 2 साल से काम कर रही हूँ और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। लाइक मैंने रिसेंटली अभी उसके साथ काम किया है और वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। बहुत से कास्टिंग्स वाले नहीं समझते बट ये समझते हैं, गर्ल्स की प्रॉब्लम स्पेशली। सेट पे बहुत कंफर्टेबल रखते हैं, इनका फर्स्ट नेचर, बहुत पोलाइट बात करते हैं, तो हाँ इसलिए मैं अभिषेक के साथ जुड़ी हूँ। हेलो, माय नेम इज साक्षी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस अभिषेक, मेरा फर्स्ट टाइम है मुंबई में अभिषेक के साथ या किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रही हूँ, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। अभिषेक के साथ मैंने रिसेंटली एक माधुरी मैम के साथ, माधुरी दीक्षित मैम के साथ मैंने एक फिल्म एडवर्टाइज की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत जेन्युइन इंसान है अभिषेक, एंड उनकी जो एनर्जी है, उनके जो वाइब्स है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम भी उतने अच्छे एनर्जी के साथ उतने पॉजिटिवली काम करें। वो सबकी हेल्प करते हैं, इवन जब मैंने देखा कि इवन सेट पे भी वो सब उनका जो नेचर है बहुत हेल्पफुल है एंड सबको अच्छा फील करवाते हैं। सो थैंक यू सो मच अभिषेक, होपफुली ऐसे ही हम आगे काम करते रहे। थैंक यू। मेरा नाम शौम्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस अभिषेक, जब दो पंजाबी मिलते तो वैसे भी बहुत रॉक करते हैं, इनकी ऑलरेडी बहुत तारीफ हो गई है तो मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी क्योंकि उनके काम से ही उनके बारे में पता चलता है। आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट टू वर्क विथ हिम एंड आई एम सो थैंकफुल टू हिम फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर वर्क। थैंक यू सर, थैंक यू। हाय, मेरा नाम अलाइना दत्ता है, मैं भी एक्ट्रेस मॉडल हूँ। अभी मैं अभिषेक को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बताना चाहती हूँ और उसके सेकंड ब्रंच के लिए जहाँ यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, और अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया है बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विथ यू एंड ऑल द बेस्ट अभिषेक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू। साइलेंट प्लीज। Hi, so this is Tasmia Gulzar and I haven't worked yet with Abhishek but I'll be looking forward to work with him and unki itni tareef sunne ke baad so main unse bolungi se agar sabke sath kaam kiya hai so main bhi karna chahungi Abhishek ke sath kaam and all the very best for your future and main bhi chahti hu ki agar main kisi ko janti hu to wo bhi like other casting directors ki tarah aage badhe। Thank you so much। Hi, mera naam Rajan hai। थैंक यू सो मच अभिषेक ब्रो कास्टिंग एंड इवेंट एजेंसी के लिए, इनकी नई ब्रांच खुली है इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैंने इनके साथ बहुत काम किया है, अभी हाल ही में मैंने माधुरी मैम के साथ ऐड किया है और इनके साथ मैंने विराट कोहली के साथ एक ऐड किया था 2012 के अंदर, मैं स्टार प्लस पर सीरियल दिया बाती भी किया है इन्हीं के साथ। मुझे बहुत काम करके इनके साथ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अभिषेक। राजन बिना हिले भी कुछ बोल सकते माय नेम इज़ शोएब मनिया और मैं अभिषेक का दोस्त हूँ। जस्ट वांटेड टू विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू। अभिषेक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज ये इनॉग्रेशन किया गया, कहाँ किया गया और क्या मकसद है इस इनॉग्रेशन का, और ये बैकग्राउंड अगर आपके जानना चाहें तो कास्टिंग एजेंसी है और किस प्रकार से काम करती है और क्या कुछ कहना चाहेंगे एक नए ब्रांच की खुशी को लेकर। जी अभिषेक जी। जी सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने बधाई दी और हमारी एजेंसी है कास्टिंग एजेंसी जिसका नाम है अभिषेक अरोड़ा कास्टिंग एंड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, और मीरठ में हमारी एक ब्रांच है, ये हमारी सेकेंड ब्रांच है जो हमने अंधेरी वेस्ट में खोला है। और पर्पज़ सिर्फ इतना है कि अच्छे एक्टर जुड़े, अच्छे कास्टिंग वाले जुड़े, अच्छे प्रोडक्शन और अच्छी फिल्मों के साथ जुड़े। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो अब तक हमने 30 बिग फिल्म्स और 70 प्लस टीवी कमर्शियल्स किए हैं और हर बड़े सेलिब्रिटी के साथ हमने काम किया है, अपने एक्टर्स को सपोर्ट किया है ताकि हम उन्हें अच्छे मुकाम तक पहुँचा सकें, और धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में ब्रांच खोलेंगे, काम करेंगे, नाम करेंगे। और अभी हाल ही में हमने एक फिल्म की है जिसका नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, करण जौहर सर इसके डायरेक्टर थे और इस फिल्म में रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट के साथ हमने काम किया है। और इसी के साथ साथ देर आर मैनी बिग फिल्म्स विच वी हैव डन लाइक केदारनाथ, संजू, हिचकी, टाइगर जिंदा है, बंटी बंटू, राधे शमशेरा, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, 30-35 फिल्म्स वी हैव डन और आगे बस चलते रहेंगे इसी तरीके से। और अपने सभी एक्टर्स को हम सपोर्ट करेंगे, चाहे वो फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, एक एक्टर को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम हम करते हैं जैसे कि एक ब्रिज काम करता है ईस्ट से वेस्ट पहुंचाने के, वैसे ही।
और क्या क्राइटेरिया होता है अभिषेक जी, अगर कोई फ्रेशर अगर आपके पास आता है तो क्या क्राइटेरिया है, कैसे आप लोग उसको कास्ट करते हैं और कैसे सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाते हैं? बिकॉज आज बहुत सारे, आपको भी पता है कि इन फील्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अनवांटेड चीज भी कर रहे हैं, तो क्या क्राइटेरिया होता है, आप कैसे सही लोगों को सही तक, सही प्रोडक्शन तक पहुंचाते हैं? जी, तो सबसे पहले आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि हमारा काम है एक अच्छे एक्टर को सर्च करना अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट और उसे उसकी मंजिल तक पहुँचाना। हम उनके प्रॉपर ऑडिशंस करते हैं, उनका वर्क प्रोफाइल चेक करते हैं, उनका इंट्रोडक्शन करते हैं, उनके सही पिक्चर्स जो हैं वो हम प्रोडक्शन तक प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन के तरीके से भेजते हैं और उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। और कहीं भी आई थिंक किसी भी फील्ड में अगर हम जाएं तो पॉजिटिव रहकर अच्छी एनर्जी के साथ काम करें और पॉजिटिव रहें हमेशा। अभी हमारे साथ है करमवीर चौधरी सर और भूल भुलैया 2 में आपने इन्हें देखा है, बहुत सारे एड्स में देखा है, फिल्म में देखा है। हम परसों साथ में शूट कर रहे थे माधुरी दीक्षित मैम के साथ फॉर राम बंधु अचार पापड़, तो फॉर अचार पापड़ हमने ऐड किया है करमवीर चौधरी सर के साथ। और सर प्लीज चौधरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहा कोलैबोरेशन अभिषेक के साथ, इनके कंपनी के साथ, और अभी हाल ही में आपने किया ऐड किया, उसका एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहेंगे, कंपनी को क्या कहना चाहेंगे अभिषेक एंड कास्टिंग एजेंसी को, और क्या कुछ शेयर रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा माधुरी मैम के साथ काम करके, क्या कुछ कहना चाहेंगे चौधरी जी? अभिषेक अरोड़ा कास्टिंग टीम इवेंट प्राइवेट लिमिटेड को, यानी कि ऑनर अभिषेक जी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके साथ अभी काम किया था एड का, तो एक्सपीरियंस तो कोई भी एक्टर हो उसके साथ जो कास्टिंग टीम है वो अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन अभिषेक जी ने जो भी कास्टिंग की है और जहाँ भी काम किया है इन्होंने और हम लोग उसके साथ काम किया है, तो बहुत ही नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, एक्टर्स की प्रॉब्लम को समझते हैं, किसी भी तरह का वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे एक्टर शिकायत करेंगे साहब मेरे को ये अनकम्फर्टेबल हुआ या ये हुआ या वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा जिस लेवल का एक्टर है उसके अनुसार कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग में किसी भी तरह का धोखाधड़ी या 400 बेसी या इस तरह की कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं होती हैं, फेयर काम है। और जिन लोगों के साथ ये आगे भी काम करेंगे और पीछे भी काम किया है तो ये मतलब उन लोगों के लिए एक अच्छा अनुभव होगा अभिषेक जी की टीम के साथ। थैंक यू सो मच सर। सर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे आपका कैसे? मैं अभिषेक अरोड़ा को कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले। थैंक यू सर। थैंक यू। अभिषेक हमारे हरियाणा से हैं और इनका जो पहला ऑफिस था तब भी मैं वहाँ पे प्रेजेंट था। हां जी। और अच्छा लगा, हम लास्ट टाइम 2 दिन पहले करमवीर जी के साथ हम साथ ही हम मिले थे माधुर जी के एड पे और अच्छा लगा, उन्होंने बताया कि हमारा ऑफिस ओपनिंग हो रहा है, तो हमें बड़ी खुशी है कि अभिषेक तरक्की कर रहा है, आगे और तरक्की करें, पूरी इंडिया में इनके ऑफिस जो इनकी एम है ब्रांचेज खोलने का वो पूरा हो और इंडिया के जितने भी एक्टर हैं उनको इनके द्वारा जो काम मिलेगा वो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि कास्टिंग एजेंसी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि एक एक्टर होता है पूरी दुनिया से, पूरी इंडिया से, फॉरेन से लोग आते हैं, तो उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए सबसे पहले क्या है, लोग टाइप करते हैं गूगल पे कौन सी एजेंसी बेस्ट है, और इन्होंने तो क्या इतनी फिल्में की हैं तो इनसे बेस्ट कौन हो सकता है। तो सबसे पहले इनको सर्च करेंगे, इनके पास आएंगे लोगों को काम मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा तो अच्छी बात है। सब एक्टर अपनी जो मुकाम लेके आते हैं, अपना सपना लेके आते हैं, वो ये सपना पूरा करेंगे, इनको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और हम बात करेंगे दीपक अरोड़ा जी से। दीपक अरोड़ा जी मेरे एल्डर ब्रदर हैं, कजन ब्रदर हैं और दिल्ली से हैं, हरियाणा रेवाड़ी से, और मैंने बोला भैया इनोवेशन है और आपको आना है, अपने मीटिंग्स बहुत बिजी पर्सन है, बहुत बिग पर्सनैलिटी है वहाँ पे, और अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आज के इनोवेशन के लिए आए। थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत बधाई हो। दीपक जी, क्या आपका ओपिनियन क्या होगा इस ऑफिस ओपनिंग के लिए? जैसे अभिषेक ने 40 पढ़ा, दीपक 40 पढ़ा, तो कितनी खुशी होती है, और अभिषेक के चेहरे पे इतने लाली देख के कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है सर, आपने भाई है मेरा और जैसे ही फोन आया तो सबसे पहले खुशी हुई, जब भाई ग्रो करता है तो खुशी होती है,
लेकिन अगर मैं भाई के नाते भी ना देखूं और एक पर्सन के नाते देखूं, मैं बहुत छोटे से देख रहा हूं, और जो अभिषेक की मेहनत मैंने देखी है बचपन से, दादाजी के साथ ही ये बैठता था, और जो पैशन मैंने देखा था, तब भी मैंने इसको एक बात बोली थी, मैंने कहा अभिषेक लगा रही हो जिस तरीके की तू मेहनत करता है ना, तब ये रेवाड़ी में ही था, तब भी मैंने यही बात बोली थी, मगर ये अपना पैशन और एक ईमानदारी अपनी लेके चलिए साथ, फिर यहाँ आया, बहुत स्ट्रगल किया, और आज मैं देखता हूँ कि एक मुकाम पे है, और गुरु महाराज जी से मैं यही प्रेयर करूंगा कि ये और आगे जाए, बहुत आगे जाए, और जैसा कास्टिंग में हम लोगों ने देखा है, मैं बहुत ज्यादा वीडियोज वगैरह में नहीं देखता था, लेकिन जितना मैंने इस अभिषेक के बारे में सुना तो मेरे को एक प्राउड फील होता है कि हाँ ये मेरा भाई है। तो दीपक चालीसा इसने पढ़ी, लेकिन सबसे अच्छी चीज है कि ये लायक है उस चीज के, और वाकई जितने भी एक्टर्स और जिनको काम मिलेगा तो आपको बहुत खुशी होगी अभिषेक के साथ काम करके, और मेरी बेस्ट विशेज हमेशा अभिषेक के साथ है। अभिषेक, चलते चलते ये भी जानना चाहेंगे कि रेवाड़ी से लेके बॉलीवुड तक कैसा सफर रहा, कितना चैलेंजेस रहा, कितना उतार चढ़ाव। पहली बात है, हम आपको जाने नहीं दे रहे, तो चलते चलते तो ना कहें। मेरा ये मानना है कि आप जिस भी फील्ड में जाएं, बस मेहनत करें, अपने आप मंजिल आपके पास आएगी। और मैं ना तो कभी एक्टर बनने आया था, ना कभी कास्टिंग डायरेक्टर बनने आया था, एक ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जैसे आपने फिल्म देखी है वैसे एक्सीडेंटल कास्टिंग डायरेक्टर हूँ मैं। और बस मुझे कुछ करना था तो मैं घर से निकलता था, लोगों से मिलता था, मीटिंग्स करता था, कुछ करना था, तो करते करते कास्टिंग डायरेक्टर बन गए। और मनवीर हमारे साथ बैठे हैं, मनवीर ने अभी, मैंने कंगना रनौत जी के साथ एक फिल्म की है जिसका नाम है तेजस, तो मनवीर वाज द टेररिस्ट। और इसके साथ एक किस्सा ऐसा है कि टेररिस्ट के लुक को मेंटेन करने के लिए इसने बाल बढ़ाए, खुलिया खराब किया, सच में ट्रेन में, अच्छा ट्रेन की टिकट्स भी हमने सरकलाम गैंग और गैंग के नाम से सेव की थी, सच में पुलिस वालों ने इसको पकड़ लिया और इसका मोबाइल चेक किया, उसमें गैंग लिखा हुआ था। अब जैसे करेक्टर तो गैंग का था और था टेररिस्ट का, तो पुलिस वालों को इसने दो घंटे समझाया, चेक कर रहे थे वो, उन्होंने फोटो ली मेरे आधार कार्ड की, सच में तो टेररिस्ट। तो कहने का मतलब है कि इतनी बारीकी से हम करेक्टर को चूज करते हैं, इतना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है ये, क्योंकि जब भी आप कास्टिंग करते हैं तो ये नहीं कि चलो ठीक है इसको डाल दिया उसको डाल दिया, कास्टिंग का एक मतलब है कि जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जैसे सुभाई आनंद सर ने बताया, आनंद ओब्रॉय सर ने, कि जहाँ पे जो परफेक्शन चाहिए हमें तो वो चाहिए, तो वही एक बारीकी है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक एक्टर सेट पे पहुंचना चाहिए, अच्छे से काम करे, एक एक्टर का जो बिहेवियर है वो सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं, ऑफ स्क्रीन भी बहुत मैटर करता है। अगर वो ऑन स्क्रीन एक्टर अच्छा है, ऑफ स्क्रीन उसका बिहेवियर रूड है विद स्पोर्ट बॉयज एंड ऑल, तो शायद वो अच्छा एक्टर कभी नहीं बन सकता। मेरा ये मानना है कि एक एक्टर को हमेशा नीचे से लेकर ऊपर सभी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, और तभी वो अच्छा एक्टर बनेगा। और बस इतना कहूंगा कि लोग अच्छे से जुड़े रहें, काम करें और नाम करें, और अभी धीरे धीरे सब सारे गेस्ट आ चुके हैं, इतने सारे लोग आए हैं, सबको इधर बुलाते हैं, सबसे मिलते हैं, आइए प्लीज सारे। संजीव अभिषेक, अभिषेक एक और ये जानना चाहेंगे कि कुछ टिप देना चाहेंगे जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, या जुड़ना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको सही गाइडलाइन की जरूरत होती है। बिल्कुल, तो कुछ टिप देना चाहेंगे लोगों को जो सर, मेरा ये मानना है कि बचपन में हम होमवर्क करते थे ताकि हमें अगले दिन स्कूल की मार ना पड़े, टीचर की मार ना पड़े, बट आजकल क्या है ना, आजकल जितने एक्टर हैं उनके सिर पे टीचर है नहीं, तो उनको होमवर्क का डर नहीं है, मार पड़ने का डर नहीं है, इसलिए वो कहीं ना कहीं कहने का बस आए हैं, घूम रहे हैं, ढंग से काम नहीं कर रहे। जहाँ तक मैंने काफी लोगों को ऑब्जर्व किया है, मैं उन्हें बोलता हूँ यार कम से कम एक घंटा डेली अपना होमवर्क बनाओ, बेस बनाओ, जिसमें जैसे कि आप अपने कुछ एक्टिविटीज वीडियोस बना लो, फॉर एग्जांपल जिम का वीडियो, साइकिलिंग का वीडियो, या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें आपको डिफिकल्टीज लगती हैं। जैसे कि बहुत सारे एक्टर हैं जो बोलते हैं हम माइथो नहीं कर सकते, बहुत सारे एक्टर बोलते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, लेकिन जब आप नहीं कर सकते उसको प्रैक्टिस करो, और डेली आप जैसे 5-7 जगह ऑडिशन देने जाते हो, मीटिंग्स देने जाते हो, आप शाम को अगर सिर्फ आधा घंटा निकाल के थोड़ा सा रिहर्सल करोगे, प्रैक्टिस करोगे खुद से, तभी कुछ बन पाओगे। और एक एक्टर को काम देने के लिए हमें उससे पहले कितना मेहनत करना पड़ता है, हमें 50 जगह डायरेक्टर से मिलना, टीम से मिलना, उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, उसके बाद सही एक्टर को लॉक करवाना, उसके बाद प्रोडक्शन से बजट वाइज, ट्रीटमेंट वाइज सब चीज़ों पे डील करना, उसके बाद एक्टर को सेट पे पहुंचाना, शूट करवाना, उसके बाद एक्टर्स के पेमेंट के लिए फाइट करना, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे ऊपर जो हम अच्छे से निभाने की हमेशा कोशिश करते हैं। और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म है ये रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जो मैंने अभी की है,
वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म आई हैव डन दिस, बिकॉज इस फिल्म में नई नई करके भी मैंने 500 से 600 एक्टर्स को अच्छा मौका दिया है काम करने का, वो भी करण सर और रणवीर सिंह और आलिया भट्ट जी के साथ. मौका नहीं दिया एक्चुअली मैंने, सिर्फ उन्हें सपोर्ट किया है ताकि मैं उन्हें अच्छी जगह पहुँचा सकूँ. और उनमें से कुछ एक्टर हमारे साथ आए भी हैं अभी, अभी सबको बुलाते हैं इधर. कास्टिंग की बात करें तो बॉलीवुड में अभी मुकेश चंद्रा जी भी कास्टिंग माना जाते हैं, तो आपको क्या कुछ डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अभी प्रेजेंट सिचुएशन बॉलीवुड में बहुत मूवी ज़्यादा चल रही नहीं है, तो उसके बारे में आपको क्या कुछ नए स्ट्रेटेजी से? मैंने दो चीज़ें हमेशा नोट की हैं. मैंने ये देखा कि बहुत कम कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो सेट पे हमेशा प्रेजेंस रहते हैं. मैं जब ये फिल्म कर रहा था या मैं कोई भी प्रोजेक्ट करता हूँ, मेरी मिनिमम 4 से 5 लोगों की टीम रहती है सेट पे, क्योंकि आई नो आई एम नॉट मुकेश चावड़ा, ही इज़ वेरी सीनियर. लेकिन मैं आई वॉज डूइंग फिल्म केदारनाथ, जब मैं केदारनाथ मूवी कर रहा था तो मैं हमेशा पूरा सेट पे था, अपने मेरे एक्टर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और ट्रीटमेंट वाइज आई थिंक आई वॉज टेकिंग केयर. वही देखते हुए, मेरी वही मेहनत देखते हुए मुझे तेजस फिल्म के लिए बुलाया गया RSVP प्रोडक्शन से. और मेरा ये मानना है कि आप सेट पे अच्छा करो, बेस्ट करो, लोग अपने आप आपको देख के बुलाते हैं. मैंने कभी भी 2016 से अब तक सामने से काम नहीं मांगा, हमेशा सामने से ही प्रोजेक्ट आते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत और लगन देखकर. मैं स्टडी में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और बचपन में मुझे कभी कोई अवार्ड नहीं मिला स्कूल से, और बजट थी कि अवार्ड तो चाहिए स्कूल से, ट्रॉफी चाहिए, बड़ा भाई हमेशा लेकर आता है. तो काफ़ी सालों के बाद, 8-10 सालों के बाद मैं होम टाउन गया हुआ था, गया स्टेज पे और स्कूल के स्टेज पे गया, सिर्फ एक लाइन बोली जिसकी वजह से मुझे अवार्ड मिल गया. मैंने कहा अंग्रेजों ने हम पे 200 साल राज किया, आज मुंबई में मेरे अंडर 200 अंग्रेज काम करते हैं, इसी एक लाइन पर मुझे अवार्ड मिल गया. तो मैं ये मानता हूँ कि हमेशा प्रेजेंटेबल रहें, कुछ ना कुछ अच्छी एक्टिविटीज करते रहें, अच्छा काम करते रहें, और जहाँ भी जाएं लोगों से अच्छे वाइब्स के साथ मिले. पॉजिटिव वाइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट करें सबकी. माँ बाप को चाहिए कि बेटा लायक है, चल भाई ठीक है, अच्छा है, अच्छा कर रहा, गलत करता तो हम भी मना कर देते, चल सही काम कर रहा है, सही काम कर रहा है. मुझे आप क्या कहना है? सही 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 काम कर रहा है. बचपन में भी सही काम करता था कि बचपन से? बचपन में तो भाई शुरू में दुकान की तो भाई होता ही है. अच्छा. उसके बाद यहाँ आ गए. हाँ. यहाँ किसने और अच्छा काम किया? कहे का दुकान? रेडीमेड का. रेडीमेड का. अच्छा, वो छोड़ के फिर इधर आ गए. हाँ. मतलब वहाँ उसका मन नहीं लगन था? लगन यहाँ थी मुंबई आने की. बॉलीवुड मुंबई आऊंगा, बॉलीवुड में जाऊंगा. अच्छा, आ गया. ठीक. अच्छा मैडम, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस पल को कैसे शेयर करना चाहेंगे आप? पल को ये खुशी होती है कि माँ बाप के नाम से तो सब बच्चे जाने जाते हैं, लेकिन प्राउड तब होता है कि बच्चों के नाम से माँ बाप जाने जाते हैं. अब सब मीडिया जानता है कि अभिषेक के मम्मी पापा हैं, तो उस बात की कितनी खुशी होती है. वही खुशी है, आशीर्वाद है हमारा इनके साथ, बहुत प्यार है हमारे बच्चे, इज्जत करते हैं, बस यही सब माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे तरक्की कर रहे हैं, परिवार के साथ हैं, प्रेम से, प्यार से, से, बस. कहते हैं ना कि दूध के दांत पालने में ही नजर आ जाते हैं, तो आपको बचपन से ही ऐसा लगता था कि हाँ ये कुछ अलग चल के करेगा लाइफ में, या कैसा था? बड़ा बेटा था, वो सब इसी लाइन में था. हाँ. तो वो आ गया 2005 में इधर, उसके पीछे फिर हम भी आ गए, तो लगा था कि कुछ तरक्की करेंगे. मेरे को अपने गुरुमा जी पे बहुत विश्वास है कि मेरे गुरुमा जी मेरे बच्चे बहुत लायक है और बहुत तरक्की करेंगे, तो वही मेरा विश्वास जीत गया. तरक्की कर रहे हैं बहुत इज्जत से, मान से, हमारे परिवार में सब बहुत प्रेम प्यार है, सब बच्चे लायक हैं जी. चलिए सना जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, इस मौके को कैसे शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहले अभिषेक को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके नए ऑफिस के लिए. मैं अभिषेक की बहुत बहुत पुरानी दोस्त हूँ. जब अभिषेक ने अपना करियर स्टार्ट किया था, व्हेन आई वाज डूइंग एक्टिंग एंड आई वाज डूइंग ऑडिशंस इन माय 18 एज, तो वहाँ पर मेरा फर्स्ट ऑडिशन था अभिषेक के साथ, एंड ही वाज डूइंग इवेंट्स आल्सो. सो वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ अभिषेक के साथ, एंड आज तक मैं उसके साथ जुड़ी हुई हूँ. ही इज़ अ वेरी गुड मैन, एंड उसका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव पर्सन है वो. आई एम नॉट टेलिंग के बाकी सब का मुझे नहीं पता, बट इस इंडस्ट्री में मैं बहुत प्राउड के साथ कह सकती हूँ ही इज़ वन ऑफ दी गुड कास्टिंग पर्सन, आप जिनके साथ काम कर सकते हो. और मेनली जो फीमेल आर्टिस्ट
होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ फील करती है, बिकॉज उसका एक नेचर है जो वो एकदम फैमिलियर रखता है लोगों को, आर्टिस्ट को, वो बिल्कुल भी पार्शलिटी नहीं करता लोगों के साथ, और काम जो भी होता है, हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक अच्छे तरीके से वो निभाता है। सर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? बस थैंक यू। आप बाकी हम आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? यस, एक सिस्टर के लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है जब उनके ब्रदर बहुत अच्छा करते हैं, और आई कैन इंट्रोड्यूस हिम लाइक ही इज़ अ बेस्ट ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ बेस्ट ब्रदर, एंड नाउ आई लिसन ही इज़ अ बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर, सो दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग फॉर मी। आपको आपको कास्टिंग किया कभी, चर्चा की आपसे कास्टिंग के लिए? आप भी तो कर सकते हैं। यस, बेसिकली आई एम वर्किंग विद द एयरलाइन, but my brother gives me an opportunity when he feels like I fit into a particular character, so he advised me that you have a good confidence so you can try. He gives me opportunity and I try, and I actually enjoy this without doing such without having such contact with so many casting directors, but still I get this opportunity, so that's actually a best feeling. Thank you. Thank you.